रणवीर सिंह की अनियन रीमेक फिल्म मुश्किल में। रणवीर के डायरेक्टर शंकर को प्रोड्यूसर ने दी धमकी, कॉपिंग का लगा आरोप, शंकर ने भी किया रिएक्ट। आखिर क्या है मामला, आइए जानते हैं। हाल ही में फिल्म डायरेक्टर शंकर ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के साथ साउथ की मशहूर फिल्म अनियन के हिंदी रीमेक की घोषणा की थी। हालांकि ऐसा लग रहा है कि फिल्म बनने से पहले ही विवादों के घेरे में आ गई है। ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर विश्वनाथ रविचंद्रन ने डायरेक्टर शंकर को एक नोटिस भेजा है, जो 2005 में आई फिल्म के भी डायरेक्टर थे। वी रविचंद्रन ने सवाल उठाया है कि वो किस आधार पर फिल्म अनियन का रीमेक रणवीर सिंह के साथ बना रहे हैं, जबकि उन्हें इस मामले में पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। प्रोड्यूसर का कहना है कि हिंदी रीमेक बनाए जाने की खबर सुनकर उन्हें सदमा लगा है। विक्रम प्रकाश राज स्टार और अनियन के प्रोड्यूसर ने कहा, मुझे अनियन की कहानी पर हिंदी फिल्म बनाए जाने की खबर सुनकर सदमा लगा है। आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म का निर्माता मैं हूँ। फिल्म की पूरी कहानी मेरे पास है। मैंने फिल्म के राइट्स राइटर सुजाता से खरीदे थे और पूरा पैसा दे दिया था। सारे रिकॉर्ड्स भी उपलब्ध है। इस तरह मैं फिल्म की कहानी का मालिक हूँ और बिना मेरे अनुमति के किसी भी तरह का एडेप्शन या रीमेक या कॉपी अवैध माना जाएगा। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आपकी फिल्म बॉयज फ्लॉप हो गई थी, उसके बाद मैंने आपको अनियन बनाने का मौका दिया था। उसी के बाद आप मार्केट में दोबारा खड़े हुए थे। ये बेहद बुरी बात है कि आप उसे भूल गए हैं। प्रोड्यूसर ने आगे कहा, मुझे लगा आप मूल्यों का पालन करेंगे, लेकिन नहीं पता था कि आप इतना नीचे गिर सकते हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि आप किसी भी प्रकार से इस मामले में आगे ना बढ़े, वरना आप पर कॉपीराइट का केस दर्ज कर दिया जाएगा। बता दें कि इस नोटिस का जवाब देते हुए शंकर ने अपने लेटर में ये दावा किया कि इस फिल्म पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है, और कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तब फिल्म के क्रेडिट्स में स्टोरी स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन बाय शंकर लिखा गया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने स्क्रिप्ट का राइट किसी और को नहीं दिया है और कि वो इसे जैसा मन चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। उनका कहना था, क्योंकि इस फिल्म के राइट्स मेरे पास है, मैं इस स्क्रिप्ट को किसी भी तरह एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। अनियन पर किसी और का हक है ही नहीं। वेल, अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बता दे कि सब रणवीर सिंह को अनियन के किरदार में देखने के लिए एक्साइटेड थे। फिलहाल आपका क्या कहना है? आपकी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।